अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं फिश कड़ी कोकनी स्टाइल में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की रेसिपी। आज के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं आज की रेसिपी के लिए, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने फिश लिया हुआ है फिश करी के लिए। मैंने यहाँ पर पापलेट की मछली ली है, आप कोई भी मछली यूज कर सकते हैं। इसमें हमें मेथी दाना लगेगा, ये मैंने हाफ टी स्पून लिया हुआ है। गार्निशिंग के लिए हमने कोरिएंडर लिया हुआ है, कड़ी पत्ता और लहसुन लिया हुआ है हमने तड़के के लिए। यहाँ पर हमने जाड़ा नमक लिया हुआ है, आप बारीक नमक भी यूज कर सकते हैं और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार यूज कीजिए। लाल मिर्ची पाउडर लिया हुआ है हमने 3 टेबल स्पून। यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून हमने जीरा पाउडर लिया हुआ है, 2 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है और तेल लगेगा हमें, ये हमने 3 टेबल स्पून लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से डालिए तेल, और अगर आपके पास कोकनी मसाला है तो आपको जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डालने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। कोकनी मसाला इसलिए क्योंकि वो घर का बना हुआ रहता है और उसमें ये दोनों चीजें पहले से ही ऐड होती है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर से बना रहे हैं ये सालन, इसलिए हमने यहाँ पर जीरा और धनिया पाउडर ऐड की हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अब हम तेल गरम कर लेंगे, गैस हमारा मीडियम फ्लेम पर रहेगा। जब अच्छे से हमारा तेल गरम हो जाए, हम इसमें मेथी डाल रहे हैं, इसे हम तेल में फ्राई कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर सालन में अच्छी तरीके से आ सके। हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि हमारी मेथी जल ना सके। जब अच्छे से मेथी हमारी हो जाए, अब हम इसमें लहसुन और कड़ी पत्ता डाल देंगे, इसे भी अच्छे से हिलाएंगे तमाम फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाए। अच्छे से हमारा लहसुन जब हो जाएगा, खुशबू आपको आने लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, लहसुन हमारा हो गया है, अब इसमें मसाले डाल देंगे। तमाम मसाले जो भी हमने लिए हुए थे तेल में डालकर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे हम। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा मसाला ना जले। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ताकि हमारे भूनने में हमें आसानी हो। आप देख सकते हैं मसाले का कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। अच्छी तरीके से हम इसे भून लेंगे। हमें इसे इतना भूनना है जब तक हमें तरी नजर ना आए। आप देख सकते हैं हल्की हल्की तरी नजर आ रही है आपको। यह हमारा तेल नजर आ रहा है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आप अपने हिसाब से डालिए, जितना आपको गाढ़ा और पतला सालन पसंद है उस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फिश डाल रहे हैं इसमें। फिश डालने के बाद में हम इसे ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए। गैस मीडियम फ्लेम पर रहेगा हमारा। आप इसका कलर देख सकते हैं, अच्छी तरीके से तरी आ गई है। इसमें कोकम डाल देंगे हम, आप इमली भी डाल सकते हैं। ढकने से फ्लेवर अच्छी तरीके से अंदर सालन में फैल जाएगा। अब ढककर निकाल के हम इसे पलट देंगे। अब दोबारा हम ढककर नहीं रखेंगे। हमारी फिश रेडी हो गई है। 5 मिनट बाद हम इसे बंद कर देंगे गैस।
तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी ही आसानी से हमारी फिश करी बनकर रेडी हो गई है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।